नमस्कार सांग माने पुणी एक नुआ वीडियो को आपण मानको स्वागत। आमे जानती वृक्ष ही जीवन गच्छ बिना आमे बंची परिबा नाही। गच्छ आमको बंचिबा पई खाद्य पिंधिबा पई पोशाक रहिबा पई वासगृह जगैबा सह आमर बंचिबा पई जहा कि नित्यांत आवश्यक अम्लजान ताहा आमको जगै थाए। एथि सहित गच्छर अनेक औषधीय गुण मध्ये रहिछि। आज आसंतु सेहिपरि एक औषधीय गच्छ विषय जानिबा। गच्छटि होछि सजना गच्छ। सजना गच्छर अनेक उपकारिता रहिछि। ताहार पत्र ठारु फूल पर्यंत फल ठारु चार पर्यंत सबुथिर उपकारिता भरी रहिछि। आसंतु सेगुडिक सब जानि रखिबा। सजना को इंग्राजी रे ड्रमस्टिक कहा जाए। सजना रे एमिती उपकारिता रहिछि जहा कि आमे जानिले आश्चर्य होइजिबा। आसंतु कौन सब उपकारिता रहिछि सेगुडिक सब जानि रखिबा। सजना छुई एवं सागरे प्रचुर परिमाण रे विटामिन ए ओ सी भरी रहिछि। सजना फूल को मध्ये आमे खाद्य रूप रे ग्रहण करिथाउ। सजना फूल रे मध्ये प्रचुर परिमाण रे विटामिन सहित कैल्शियम पोटासियम फास्फोरस कैरोटीन आदि रहिछि। सजना फूल साग ओ छुई रे प्रचुर परिमाण रे फाइबर बा तंतु रहिछि जहा कि आमर हजम शक्ति को वृद्धि करिथाए। एथिरे एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर परिमाण थिबारु एहा आमर शरीर रो रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि करिथाए एवं आमको सुस्थ ओ सतेज रखिथाए। गोटिए कदळी रो मिलुथिबा पोटासियम रो प्राय 3 गुण पोटासियम सजना सागर मिलिथाए। सजना सागर रे प्रचुर परिमाण रे विटामिन ए थिबारु एहा आमर आखी रो अंधारकण रोग को दूर करबा सहित आम आखी को सुस्थ रखिथाए एवं आमर दृष्टिशक्ति को मध्य प्रखर करिथाए। गाई क्षीर रु मिलुथिबा कैल्शियम परिमाण रो 4 गुण कैल्शियम आमको सजनारु मिलिथाए। सजनारु आमको जेतिकी लौह मिले एहा प्राय पालंग सागरु मिलुथिबा लौह ठारु 3 गुण अटे। एही लौह बा आयरन पई आमर शरीर एही आयरन बा लौह जोगु आमर शरीर रो रक्तर परिमाण वृद्धि होबा सहित आमर रक्त संचालन सठिक भाबरे होइथाए। सजना साग खाइबा द्वारा एहा महिला मानंकर अकाल गर्भपात को दूर करिथाए। कंकड़ा बिछा सतपदी बिछा कला बुड़ियाणी कामुडारु उपशम पई सजना को व्यवहार करा जाइथाए। सजना मध्य बीजाणु नाशकारी मूत्रवर्धक कफ निष्कारक मल निष्कारक उत्तेजना प्रदान करी शक्तिवर्धक ओ कृमिनाशक अटे। सजना पत्र को पानी रे सिझाई से पानी को नियमित भाव में पीले आमर रक्तचाप मध्य नियंत्रित होइथाए। सजना फूलरु अल्प किछि नियमित भाव में खाइले एहा प्रदाह जनित जंत्रणारु तथा मांसपेशीर रोग अर्बुद प्लीहा वृद्धि आदि रोगरु मुक्त करिथाए। सजना गछर चेररु मिलुथिबा रस द्वारा शोथ बा जल उदर रोगर चिकित्सा पई व्यवहार करा जाइथाए। एहार फळरु मिलुथिबा बेन तेल चर्म रोग निराकरण पई चर्मरे मालिश करा जाए जा फळरे समस्त प्रकार चर्म रोग दूरीभूत होइथाए। मुंड बिंधा बा अधकपाळी रोग पई सजना चेर को बाटी लेपन कले उपशम मिलिथाए। डायबिटिस रोगी मानकर शरीर रे शर्करार परिमाण स्थिर रखिबा पई ओ नियंत्रण रखिबा पई सजना को व्यवहार करा जाइथाए। एथिरे एंटी डायबिटिक एजेंट प्रचुर परिमाण रे थिबारु एहा डायबिटिस रोग को संपूर्ण भलो करिथाए। एथिरे बहुल परिमाण रे कैल्शियम थिबारु एहा आमर दुर्बल हाड़ को सबल करे शरीरर रक्तहीनता दूर करे एवं पुष्टिहीन मां क्षीर संचार मध्य करिथाए। अनेक स्थान रे सजना गच्छ को बाड़ हिसाब रे व्यवहार करा जाए। एहार चेर माटी रे थिबा क्षतिकारी अणुजीव मानंकु मारी पकाई माटी को उन्नत करिथाए। एही गच्छ मध्यरु अधिक परिमाण रे सेलुलोज रो मंड बाहरे जहा कि सेलोफेन एवं वस्त्र तयारी रो कंचामाल भाव रे व्यवहार करा जाइथाए। एही गच्छर काठरु एक प्राकृतिक नील रंग बाहर करा जाए। एही गच्छर छेली को रंग करिबारे व्यवहृत करा जाए एवं एथिरु मध्य एक प्रकार मोटा तंतु अमल हुए।
ଏହିପରି ଭାବରେ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ମଧ୍ୟ ସଜନାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସଜନାର ପତ୍ର ସହ ଡାଳକୁ କାଟି ମାଟିରେ ପକାଇଲେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସଜନା ଶାଗକୁ ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସଜନା ଛୁଇଁରୁ ମିଳୁଥିବା ମଞ୍ଜିକୁ କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସଜନା ମଞ୍ଜିରୁ ପ୍ରାୟତଃ 40-50% ତେଲ ବାହାରେ, ଯାହାକୁ ବେନ୍ ତେଲ କୁହାଯାଏ। ଏହି ତେଲକୁ କଳାକାରମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଘଣ୍ଟା ଦୋକାନୀମାନେ ଘଣ୍ଟାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ତୈଳାକ୍ତ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ତେଲକୁ ଅତର ତିଆରିରେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡବାଳରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ପିଇବା ପାଣିକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଜନା ମଞ୍ଜିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ସେଥିରେ ପକାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ସଜନାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପକାରିତା ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ସଜନା ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ସୂଚନା ପାଇପାରିଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହିପରି ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।